सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर टेक्निकल सर्जी में। सो गाइस आज को हम बात करने वाले हैं कि अगर अपने आधार कार्ड को दोस्तों अगर आप बिना ओटीपी की मदद से अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं निकालना चाह रहे हैं तो दोस्तों बिना ओटीपी की मदद से दोस्तों अपने आधार कार्ड को आप कैसे निकालें, आप अपने आधार कार्ड को आप कैसे निकालेंगे। अगर दोस्तों आपका आधार कार्ड चोरी भी हो जाता है तब भी दोस्तों अपने आधार कार्ड को आप बिना ओटीपी की मदद से दोस्तों आप इजिली निकाल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि अगर अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाह रहे हैं दोस्तों या निकालना चाह रहे हैं तो बिना ओटीपी मदद से दोस्तों अपने आधार कार्ड को आप कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो को एंड तक आपको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा और आप क्वेश्चन को सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि दोस्तों अपने आधार कार्ड को आप कैसे डाउनलोड करेंगे विदाउट ओटीपी। सबसे पहले दोस्तों आपको इस तरीके से अपने मोबाइल फोन को ओपन करना, ओपन करने के बाद में अब आपको इस तरीके से गूगल क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको सर्च बार पे क्लिक करना है। सर्च बार पे जैसे इस तरीके से आप क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पे दोस्तों क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा दोस्तों UIDAI.gov.in। दोस्तों जैसे आप इतना लिख करके आप टाइप करेंगे सर्च करेंगे तो अब आपके सामने दोस्तों इस तरीके से आधार कार्ड का जो ऑफिशियल साइड है इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको UIDAI पे क्लिक करना पड़ेगा। इस तरीके से जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने इस तरीके से लैंग्वेज चूज करने का जो ऑप्शन इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो आपको इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती अपने लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हो। तो हम इंग्लिश पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। अब आपके सामने दोस्तों इस तरीके से ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको यहां पे धीरे धीरे नीचे आना, नीचे आने के बाद में अब आपको यहां पे दोस्तों एक ऑप्शन शो हो जाएगा। नीचे आएंगे यहां पे गेट आधार में दोस्तों आपको यहां पे एक ऑप्शन होगा यहां पे दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड। तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड वाले ऑप्शन पे। दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। तो दोस्तों पे कह रहा आधार नंबर और यहाँ पे दोस्तों कह रहा है इनरोलमेंट आईडी नंबर। सो दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड है तो अपने आधार कार्ड नंबर को आपके पे डालना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपके पास यहाँ पे दोस्तों इनरोलमेंट आईडी है तो अपनी इनरोलमेंट आईडी को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अपने आधार कार्ड नंबर को आपके पे डालना पड़ेगा और दोस्तों इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड तो आप यहाँ पे दोस्तों अपने मोबाइल नंबर को डाल सकते हैं। अगर नहीं रजिस्टर्ड तो आपको माय मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर्ड पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों यहां पे दोस्तों आपको कोई भी यहां पे दोस्तों आपको नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों क्या करेंगे यहां पे हम सब कुछ डिटेल यहां पे एंटर कर देंगे। सो दोस्तों इस तरीके से हम क्या कहें, सब कुछ डिटेल इस तरीके से हम डाल दिया। डालने के बाद में अब आपको सेंड ओटीपी क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों जैसा आप ऐसा सेंड ओटीपी क्लिक कर देंगे तो आप जो नंबर डालें उस पर इस तरीके से एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी इस तरीके से आपको डालना। डालने के बाद में अब आपको दोस्तों टर्म एंड कंडीशन को इस तरीके से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे दोस्तों सबमिट पर क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट पर जैसे क्लिक कर देंगे तो आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर से आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है। इस बॉक्स पर जैसे क्लिक कर देंगे तो आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे आप इसे मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे तो अब आपके सामने दोस्तों इस तरीके से पेमेंट करने का ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहां पे ₹50 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे आप यहां से ₹50 आप पेमेंट कर दें उसके बाद में 7 दिन के अंदर दोस्तों आपके घर पे आपको जो आधार कार्ड है डिलीवर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से अपने आधार कार्ड को आप मंगवा सकते हैं, इस तरीके से अपने आधार कार्ड को आप निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास यहां पे दोस्तों आपके आधार कार्ड से अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, अगर दोस्तों आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, आप और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।